हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल। जैसे कि लास्ट कुछ ही वीडियो में हम लोग ने देखा था ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई आईएसओ स्टैंडर्ड का एक गिवन मॉडल था, जो कि प्रीवियसली 1995 के पहले वो यूज होता था फॉर द नेटवर्क लेयर। तो बेसिकली वहां पे डिफरेंट लेयर्स थे और कैसे कम्युनिकेशन होता है वो उस पे बेस्ड था। लेकिन उसके एडवांस फॉर्म में, मतलब जैसे उसमें बहुत सारे लेयर्स थे और कुछ मतलब डिसएडवांटेजेस भी थे, तो उनको ओवरकम करने के लिए टीसीपी आईपी मॉडल आया। तो टीसीपी आईपी मॉडल में क्या होता है, नॉर्मली ये दिस इज मतलब इट डील्स विद सम डेफिनेट प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल के यूज के हिसाब से किस तरह से डिफरेंट लेयर्स में क्या होता है वो टीसीपी आईपी मॉडल में डिफाइंड है। तो इसका मतलब फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स के नाम है। एंड इट इज यूज इन करेंट इंटरनेट आर्किटेक्चर विच डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द इंटरनेट। तो बेसिकली डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। तो टीसीपी आईपी मॉडल में ये चार लेयर होते हैं। फर्स्ट है नेटवर्क एक्सेस लेयर, देन इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो पहले हम लोग एप्लीकेशन लेयर देखेंगे। तो टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर किस तरह से ओएसआई मॉडल से डिफरेंट है वो भी हम लोग आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो पहले चलते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ओएसआई मॉडल का एप्लीकेशन लेयर, वहां पे मैंने आपको कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम बताए थे, वही सेम प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी मॉडल के एप्लीकेशन लेयर में भी यूज होता है। तो एप्लीकेशन लेयर ऑफ बोथ द मॉडल्स आर एग्जैक्टली सेम। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि यूजर प्रोसेस कोऑपरेटिंग विद अनदर प्रोसेस। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर मतलब डील करता है यूजर के साथ। तो यूजर का एक प्रोसेस किस तरह से दूसरे प्रोसेस के साथ कोऑपरेट करता है वो एप्लीकेशन लेयर से पता चलता है। और इट डील्स विद मेनी प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है। तो सेट ऑफ रूल मतलब उसी रूल के बेस पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म किया जा सकते हैं, तो वही है प्रोटोकॉल। तो दो टाइप के प्रोटोकॉल हैं, एक है जो कि एंड यूजर सर्विस प्रोवाइड करता है और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल। तो एंड यूजर सर्विस के लिए एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एसएनएमपी, डीएससीपी एंड डीएनएस। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो प्रोटोकॉल्स के नाम एंड उनके फंक्शन मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। फर्स्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दिस इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फाइल बिटवीन कंप्यूटर। दो कंप्यूटर के बीच में फाइल भेजने के लिए यूज होता है। एसएमटीपी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। ये बहुत ही इजी है, बस आपको नाम याद रखना है। एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है एसएनएमपी। एसएनएमपी है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल है फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, जो कि एडमिन मतलब क्या, जो कि टेक केयर करता है, विच टेक्स केयर ऑफ द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको एडमिन बोला जाता है। उसी तरह से ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क। देन है डीएससीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, एलोकेशन ऑफ डायनेमिक आईपी एड्रेसेस टू कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। अभी आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस होता है ऐसे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, चार डेसिमल वैल्यूज होते हैं एंड 3 डेसिमल पॉइंट होता है। उसी तरह से वो सेपरेटेड होता है और वही दिया हुआ रहता है सारे यूआरएल को, तो उसी को बोला जाता है आईपी एड्रेस। कोई भी आप लिंक टाइप करते हैं, हर एक लिंक का हर एक कंप्यूटर के साथ हर एक नेटवर्क में आईपी एड्रेस रहता है, तो वही एलोकेट होता है बाय डीएससीपी। डीएनएस है डोमेन नेम सर्विस। तो दिस ट्रांसलेट द डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स कैसे ट्रांसलेट करेगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है www.facebook.com, ये एक डोमेन नेम है, इसको ट्रांसलेट करेगा टू द आईपी एड्रेस, वो होता है डीएनएस। लास्ट है टेलनेट, जो कि है टर्मिनल नेटवर्क। इट प्रोवाइड्स टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दैट इज टू कनेक्ट अ रिमोट मशीन एंड रन एप्लीकेशन ऑन इट।
मतलब दूर कोई मशीन है तो उसको कनेक्ट करेगा टू द नेटवर्क एंड व्हाट एवर एप्लीकेशन यू वांट टू यूज दैट विल बी रन ऑन द रिमोट मशीन, वो होता है टेलनेट के द्वारा।